हेलो एवरीवन आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में सो इस वीडियो में बात करने वाले फिफ्थ अक्टूबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट की गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए देखने को मिली साथ साथ एक लोट पे प्लाजा वायर्स आई विष्णु सूर्या आई पी ओ शार्पच आई और वेलियन लेबोरेटरीज आई पी आपको प्रॉफिट देती हुई देखने को मिल सकती है और किस तरीके से कैसे क्या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिला इन सभी आईपीओ के रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सो so, वीडियो को तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपी ओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वहाँ जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें तो सार्थ चक्स आई पी ओ बारे में तो आज इस आई पी ओ के आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए वैसे जो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करिए हो फिफ्टीन रुपीज पे यहाँ पे कारोबार करती हुई देखने को मिली फोर्टी एट रुपीज पे फिफ्टीन रुपीज़ की प्रॉफिट देखने को मिल रहा है जिसको यदि इसके कटअप प्राइस पे अराउंड करते हैं तो सेवेंटी थ्री रुपीज लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक क्लॉर पर लगा देखा जाए तो लगभग ट्वेंटी सेवन परसेंट तक की लिस्टिंग मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है और एक क्लोर पे तीस हजार तक की प्रॉफिट यहा आराम से आपको देती हुई देखने को मिल जाएगी इस तरीके से ऐसी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एस एच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है

जीएम पी कार्वेंटी रुपीज आप एड ऑन करते हो तो प्राइस निकल कर आ रही है मिलने की चांस ऑफ पॉसिबिलिटी और एक लॉ पे देखा जाए लगभग चालीस हजार तक की प्रॉफिट टी आई देती हुई देखने को मिल सकती है इस तरीके से ऐसी ग्रे मार्केट प्रीमियम एस एच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है तो वैसे इस आईपीओ के रिलेटेड बात करें हम लोग तो आने वाले समय में आप लोगों को अपडेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए नेक्स्ट आई के बारे में बात करें तो प्लाडा इन्फोटेक आई इस आई में बारह से दो के बीच में आज इस आई में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए तो लगभग दो बजे के आसपास कितने नंबर ऑफ टाइम्स आई सब्सक्राइब हुई है और एस के द्वारा कैटेगरी के द्वारा कैसी है? और कितने पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है उसके रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दी जाएंगे प्लाडा इन्फोटेक आईपीओ पी के बारे में बात करें तो फोर्टी एट रुपीज़ जो इस कंपनी की कर प्राइस है उसमें टेन रुपीज़ आप एडाउन करके चलते हो तो लगभग फिफ्टी एट रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है लगभग ट्वेंटी वन परसेंट तक की लिस्टिंग है, मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को मिल रहा है और एक लॉट पर लगभग ट्वेंटी वन परसेंट तक की प्रॉफिट यानी कि एक लॉट पर तीस हज़ार तक की प्रॉफिट ये आई देती हुई देखने को मिल जाएगी इस तरीके से ऐसी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है तो वैसे जिस तरीके से आप लोगों ने इस आई में ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखा है वो आने वाले समय में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एच के द्वारा और बेहतरीन नंबर ऑफ आते हैं तो ही जाकर आप लोग को आने समय में अच्छे रिस्पॉन्स आई पी में देखने को मिलेगी नहीं तो जिस तरीके से जैसे आप लोगों को अभी कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग को रिस्पॉन्स इन फ्यूचर भी देखने को मिलेगी नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ यहाँ पर देख सकते हैं वेलियंट लेबोरेटीज आईपीयू इस आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस लेट नाइट कल के डेट में आप लोगों को देखना स्टार्ट हो चुके थे और अभी तक आपने इसके अलॉटमेंट स्टेटस को चेक नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया वहाँ पे आप लोगों को इवनिंग में लेट नाइट तक आपको टेली आपको इसके जो रजिस्ट्रार साइट है उस साइट के रिलेटेड आपको अपडेट दी गई थी अभी तक आपने उस साइट पर चेकआउट नहीं किया तो कॉमेंट सेक्शन में लिंक टेलीग्राम फैमिली मेम्बर्स का दिया गया वहाँ पर आप लोग जुड़कर आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी वैसे देखा जाए तो इस आई में जिन्होंने अप्लाई किया था कटअप प्राइस पर एक सौ पे उन्हें ईस आई पी में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिली है एक सौ पाँच इक्विटी शेयर मिनिमम यहाँ पे शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिला है वैसे इस आई की इशू साइज की बात करें तो लगभग एक तिरपन करोड़ के आसपास कंपनी की इशू साइज है और इस इशू साइज में 50 परसेंट देखा जाए तो क्यू वी कैटोरी को शेयर एलोकेट किया गया है 35 फाइव परसेंट रिटेलर्स के लिए और 15 परसेंट एच एन के लिए शेयर एलोकेशन के लिए रखी गई है वैलियंट लेबोरेटरीज आई पी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की लिस्टिंग बी एस सी दोनों जगह पर होने वाली है वैसे वेलियंट लेबोरेटरीज आई पी ओ की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके से जैसे रिस्पांस देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो इस आई की जो आपको लिस्टिंग डेट है वो तो आप लोग को नाइन्थ ऑफ अक्टूबर रखी गई है लेकिन अभी जो इसके कल के डेट तक इसके अलॉटमेंट स्टेटस देखना इसका रजिस्ट्रार साइट पे स्टार्ट हो चुकी है तो ये कंपनी कल भी लिस्ट हो सकती है इसके रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी ऑफिशियली अपडेट आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को अपडेट कर दिए जाएंगे वैसे इस कंपनी की लिस्टिंग डेट नाइन्थ ऑफ अक्टूबर रखी गई है और यदि परसों आप लोगों को कल आपको अलॉटमेंट यहाँ पर देखा जाए तो मिली है तो परसों भी यह कंपनी लिस्ट हो सकती है इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वैसे देखा जाए तो इस आई की की परफॉर्मेंस की बात करें तो वैलियंट्रिटीज आईपीओ की, की परफॉर्मेंस में जो आप लोगों को परफॉर्मेंस दिख रही है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स और काफ़ी अच्छी रखी गई थी यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो लगभग के ऊपर ही आपको रिटर्न 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 ऑन 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 इक्विटी और रेटर्न और कैपिटल देखने को मिल रहा है और और नेटवर्थ की बात करें तो अभी आप लोगों को ट्वेंटी नाइन परसेंट के पास देखने को मिल रही है इसके रिगार्डिंग यदि हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की यहाँ पे वेलियंट लेबरेटरी आईपीयू की ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्वेंटी फाइव रुपीज पे कार्य देखने को मिल रही है वन हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ पर ट्वेंटी फाइव रुपीज़ आप एड करते हैं तो वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक फ्लोर पर लगभग एट्टीन परसेंट तक की प्रॉफिट ये आई पी आराम से देती हुई देखने को मिल सकती है लगभग देखा जाए तो दो हज़ार छः सौ पच्चीस रुपये की प्रॉफिट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी पंद्रह हज़ार तक की शेयर आपको एलोकेट किए गए तो मिलते हुए देखने को मिल रही है तो आप में से कितने दोस्तों ने वेलियन लेबरेटरीज आई पी में अप्लाई किया है और आप कितने को में अपने कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा ताकि जो आज के डेट में प्लाजा वायर्स आई पी ओ की जो लिस्टिंग डेट लास्ट रखी गई है उसमें यदि कुछ आने वाले समय में बिलीव आती है रिटेलर्स को तो यहाँ पे एग्रेसिवली पैसा लगते हुए देखने को मिल सकती है प्लाजा वायर्स आई में वैसे देखा जाए तो नेक्स्ट आई के बारे में बात करें तो प्लाजा वायर्स आई इस आई पी ओ के रिगार्डिंग यदि हम बात करते हैं तो आज के डेट में इस आई पी की लास्ट डेट रखी गई है अप्लाई करने के लिए वैसे फाइव आप लोगों टू पी एम के आसपास कितने नंबर ऑफ टाइम्स आई पी सब्सक्राइब होती है उसके रिगार्डिंग आप लोग अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिए जाएंगे वैसे इस आई में यदि आप एच एन आई में अप्लाई करते हैं बिग एच एन ए में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी ज्यादा है देन ए स्मॉल एच एन आई और यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी में भी अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है लेकिन सबसे ज़्यादा बिग एच एन ए में और रिटेलर्स कैटेगरी में एक डिमेट अकाउंट से दो या तीन नोट अप्लाई कर करें तो उससे बढ़िया किया है कि आपके पास प्रत्येक फैमिली बस के डिमेट अकाउंट से तो उसके डिमिट अकाउंट से अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी रहेगी वैसे इस आई की जो टेन रुपीज़ प्रेस वेल्यू है उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर लिक्विडिटी कम रहने वाली जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट रहेगी लेकिन मैनिपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा वैसे इस कंपनी की प्राइस ट्रेनिंग की बात करें तो फिफ्टी की कंपनी की प्राइस ट्रोनिंग आप यहाँ पर कट प्राइस रखी गई जो कि आप लोग अप्लाई करते समय से सेलेक्ट करनी है इकहत्तर करोड़ की टोटल इश्यू चाहिए जिसमें से 50 परसेंट शेयर एलोकेट किया जाएगा किसको की कि को 35 परसेंट शेयर एलोकेट किया जाएगा रिटेलर्स को और पंद्रह परसेंट एच एन ए कैटोरी को शेयर एलोकेट किया जाएगी वैसे देखा जाए तो इस आई पी ओ के रिलेटेड आने वाले समय में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है जो कि हम लोगों ने देखा एयर ऑफ अक्टूबर आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इनफॉमेशन मिल गई और अक्टूबर की कंपनी बी एस से दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी वैसे इस आई के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छी है इसी कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रियम की बात करें तो काफ़ी अच्छी डिमांड दिखा रही है लगभग चालीस परसेंट के आसपास प्रॉफिट देती हुई देखने को मिल सकती है छः हज़ार छः सौ अड़तालीस रुपये के प्रॉफिट पंद्रह हज़ार के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आई दे सकती है वैसे इस आई पी के रिलेटेड आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे सो जुड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर, कर किया ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक लीजिए हिंद जय भारत